हेलो फ्रेंड्स, आज हम DSSSB के PGT TGT जो एग्ज़ाम नंबर 2 होगा आपका, उसके लिए जो बैच चला रखा है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ NDSSR AA X ग्रुप का भी सिलेबस कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। इसके ऊपर क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, 60 तक हमने कर दिए हैं, 60 तक हमने कर दिए हैं। आज 60 से स्टार्ट करेंगे, 60 क्वेश्चन, क्योंकि 60 से पहले की टाइप थी। ठीक है, यानी अलग अलग टाइप के अलग अलग टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप जो क्वेश्चन करेंगे ना, वो वेन डायग्राम बेस आपका, तो वेन डायग्राम बेस होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना 60 क्वेश्चन से। तो 60 क्वेश्चन क्या कहता है कि बोला कि एक सर्वे किया गया और पाया गया कि 63% इंडियन एप्पल पसंद करते हैं, सेब पसंद करते हैं। तो एप्पल, तो मैं एप्पल को ये मान लूँ सेट, तो इसमें कितने लोग हैं, 63% है। और दूसरे ऑरेंज, ओ तो ऑरेंज को कितने परसेंट करते हैं, 76% परसेंट करते हैं। ठीक है, 76%। ठीक है, तो बोला गया कि कितने इंडियन जो हैं जो दोनों को खाते हों, दोनों को पसंद करते हों, तो दोनों को पसंद करने वाले ऐसे कितने लोग हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो आपका वेन डायग्राम हो गया और एक अपना फार्मूला बेस हो गया। तो पहले फार्मूला बेस देख लेते हैं। तो देखो, 63% 76% टोटल परसेंट कितना होता है, 100%। तो मैं क्या कहूँगा कि ए यूनियन बी दोनों को टोटल किया तो 100% आया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, बोथ। तो बोथ के लिए मैंने क्या बताया था, वर्ड इंटरसेक्शन का यूज होगा। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा NOF, ये O है भाई। ठीक है, O, तो B की जगह मैं O लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। O प्लस NOF माइनस NOF A यूनियन OF O, तो 63% प्लस 76% माइनस 100% कितना आ जाएगा, इनको जोड़ोगे तो 139% आएगा। ठीक है, माइनस 100%, तो 139 में से 100 गए, 39% आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, और वेन डायग्राम से कैसे सोल्व करते हैं, देखो सेकंड मेथड क्या कह रहा है कि सेकंड मेथड ये है कि दो सेट बना ली, एक ए बना ली, एक ऑरेंज एप्पल का और ऑरेंज का। ठीक है, तो एप्पल कितने परसेंट करते हैं, 63%, और ऑरेंज कितने परसेंट करते हैं, 76%। ठीक है, तो अब पूछा कि ये जो लाइन लगाई ये कितने होंगे, तो लाइन लगाए कितने होंगे। तो ये तो फार्मूले बेस स्टार्ट हो जाएगा कि 63, 76 कितने होते हैं, 139, और हमें पता है टोटल कितने हैं, 100। तो आप कितना कह दोगे, इनका आंसर क्या कह दोगे, 39% आपका ये राइट होगा। ठीक है, तो इस यानी वेन डायग्राम के क्वेश्चन ज्यादातर आपके थ्री या फोर सेट मारते हैं। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंस देते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो 61 देखते हैं क्या होगा, 61 61 बोला कि ग्रुप 1000 लोगों का है। ठीक है, तो 700 कैन स्पीक इंग्लिश, तो हम क्या करेंगे, NOV कितना हो जाएगा, 700, NOH कितना, हिंदी वाले कितने हैं, 400। और बोला कि हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक हिंदी ओनली, हिंदी ओनली कितने हैं, मतलब केवल हिंदी वाले। तो 1000 कौन से आपके, इंग्लिश यूनियन हिंदी, मतलब दोनों को बोलने वाले कितने हैं, 1000 लोग हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, NO फार्मूला बेस हो गया, E इंटरसेक्शन H, क्योंकि ओनली हिंदी निकालने के लिए हमें कॉमन भी निकालना पड़ेगा। तो कॉमन निकालने के लिए इंटरसेक्शन करेंगे, तो इंटरसेक्शन के लिए दोनों को ऐड कर दो, 750 प्लस 400 और माइनस 1000 कर दो, तो कितना आ गया, 1150 माइनस
1000, तो इंटरसेक्शन कितना आ गया, 150। ठीक है, तो ये 150 इसका आंसर नहीं है, कभी लगा दो। आंसर क्या आएगा कि हमें क्या निकालना है, एन ऑफ एच ओनली, ओनली वाले निकालने। ठीक है, तो ओनली वाले क्या हो गए कि एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, ये फार्मूला बनेगा ओनली वाला जो मैंने लिखवाया था आपको इंट्रोडक्शन में। तो करते हैं कि 400 माइनस 150 कितना आया, 250 आपका राइट आंसर होगा, 250 ऑप्शन बी। ओके, तो 250 आपका राइट आंसर हो गया। 62 चेक करते हैं, 62 क्या होगा, 62, 62, 62 में बोला कि एक ग्रुप है 52 लोगों का, ठीक है, उसमें से 16 क्या पीते हैं, टी बट नॉट कॉफी, क्या उन लोग पीते हैं 16, केवल टी पीते हैं, मतलब केवल चाय, कॉफी नहीं पीता वो बिल्कुल, और उनमें से क्या बोला कि 33 चाय पीते हैं, तो 16 क्या है, 33 के अंदर है, क्योंकि 33 वो हैं जो दोनों चीज पीते हैं और चाय भी पीते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी पर्सन कॉफी ड्रिंक, कॉफी बट नॉट टी, बोला कि कितने ऐसे लोग हैं जो कॉफी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते। देखो, अगर मैं एन ऑफ टी निकालूं तो 33 है। ठीक है, अगर हम निकाले कि ओनली ओनली नंबर ऑफ टी वो कितने, 16। देखो, ठीक है, बोला कि 52 में से हमें वो बताने जो केवल कॉफी पीते हैं, ओनली कॉफी, ओनली कॉफी, तो वो कौन से लोग हैं कि नंबर ऑफ बोथ इंटर यूनियन सी माइनस एन ऑफ टी कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 52 माइनस 33। देखो, इस 60 का कोई काम नहीं अपने पास। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज आपको समझ आ गई तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 19। ठीक है, हाँ 19 है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 63। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, आपको लैंग्वेज पे थोड़ी कमांड देनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन पर। 63 क्या कह रहा कि बोला कि एक क्लास में 45 बच्चे हैं, ठीक है, 22 हिंदी बोल रहे हैं, 12 इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक, केवल, तो 22 केवल बोल रहे हैं हिंदी। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, इन दोनों का यूनियन दे रखा है, हिंदी यूनियन इंग्लिश, कितना है, 45। ओनली नंबर ऑफ हिंदी कितने हैं, 22। ओनली नंबर ऑफ इंग्लिश कितने हैं, 12। ये देखो, हमें सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा था, जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन सिमेट्रिक डिफरेंस के ऊपर। क्या बोला है? कि अब हमें क्या निकालना, एन ऑफ इंटरसेक्शन ई निकालना है, तो इन दोनों को प्लस करना था ना, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया, 22 प्लस 12। देखो, सेम क्वेश्चन है, -45 कर दें, -45, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ओनली वाले कंडीशन है, ओनली वाले को दूर हटा देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 3 -45 कितना आया, -11, तो -11, तो इसका उल्टा आंसर आ जाएगा आपको, 11 आंसर राइट होगा। वो कौन बोलेंगे कि दोनों लैंग्वेज जो बोलेंगे ना, वो 11 लोग हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 64। सिक्सटी फोर में क्या कह रहा है कि एक स्कूल है, वहां पर 20 टीचर हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब इसने दिया कि नंबर ऑफ मैथ यूनियन फिजिक्स,
20, ठीक है। तो देर आर 12 टीचर वो टीच मैथमेटिक्स, ओनली मैथ कौन पढ़ा रहे हैं? 12 आदमी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर, अच्छा, 9 जो है जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी कितने हैं? 9, ठीक है। तो अब बोला गया नंबर ऑफ फिजिक्स बताना है, नंबर ऑफ फिजिक्स वाले कितने हैं? तो कुछ नहीं करना, इंटरसेक्शन यूनियन को ऐड कर देना है, ठीक है, और माइनस में क्या करना, मैथ वाले टीचर हटा देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 29 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 17 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है। तो 65 पर चलते हैं, 65 पर 65 क्या कह रहा है कि बोला कि नंबर ऑफ एक्स दे रखा है 900, ठीक है। नंबर ऑफ एक्स कितना है? 900। नंबर ऑफ ए दे रखा है 300। नंबर ऑफ बी कितना है? 400, ठीक है। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है? 150। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये निकालना है। तो ये निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ एक्स जो कि टोटल है और माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए मुझे, ठीक है। दो चीज, ये दो चीज चाहिए। तो नंबर ऑफ एक्स दे रखा है तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैसा होगा? इसको मैं इस साइड करूंगा कवर, तो इसको देखता हूं। तो एन ए यूनियन बी कैसा आएगा? नंबर ऑफ, तो वो आएगा आपका इसको इसको प्लस करने पर 300 प्लस 400 माइनस, क्या इसको माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन पर, 150। तो क्या आया मेरा? 700 माइनस 150 तो कितना है? 550, ठीक है। तो 550 है, तो 550 आया। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, एन ऑफ एक्स कितना? 900, और माइनस इन दोनों का यूनियन 550, ठीक है। तो कितना आया? 350 आपका आंसर आ जाएगा, जो क्या कह रहा है कि एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। तो फार्मूला अपना क्या फार्मूला है कि एन ऑफ मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो दोनों ए के आंसर आएंगे, दोनों बराबर हैं, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? 350 आएगा। तो 350 आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो 66 क्वेश्चन देखते हैं, 66 बोला कि टू फाइनाइट सेट हैं जिसके एम और एन एलिमेंट, ठीक है। तो बोला कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज, टोटल नंबर ऑफ सबसेट मतलब कि पावर सेट, बोला कि पावर सेट फर्स्ट का पावर सेट, तो फर्स्ट का पावर सेट है जो 56 ज्यादा है किससे? सेकंड के पावर सेट से, सबसेट से, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एम और एन बतानी है। तो क्या बोला कि इसने, देखो यहां पर एम की वैल्यू हमेशा छोटी है हर ऑप्शन में, तो एम की वैल्यू हम छोटी छोटी ले लेंगे। तो क्या बोला कि टू की पावर एन क्या है? टू की पावर एम प्लस 56 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कंडीशन बनेगी? टू की पावर एन माइनस टू की पावर एम इज इक्वल टू 56 बनेगी। अगर आप ऑप्शन से उठाओ इस टाइप के क्वेश्चन को, आपको ऑप्शन से करना, तो वैल्यू पुट करते हैं ए ऑप्शन की, एन कितनी? 7 माइनस एम कितना? 6। देखा, देखो 56 देगा या नहीं। तो 2 की पावर 7 क्या होती है आपकी? 2 की पावर 6 64 होती है, और 2 की पावर आपकी 128 होती है। तो कितना आंसर दे रहा? 64। ये तो गलत हो गया। तो बी ऑप्शन चेक करते हैं क्या है कि 2 की पावर एन की वैल्यू कितनी? 6 माइनस 2 की पावर 3,
छः क्या हो जाएगा, 64 - 8 इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो बी ऑप्शन से आपका क्या आंसर आया है, 56 आंसर आया है, तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह करना। तो हम 67th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 67 क्या कह रहा है, बोला कि 67 क्या कह रहा है कि एक क्लास में 175 बच्चे हैं, ठीक है, जिनका डाटा ये दिया हुआ, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब तीन सेट बनेंगे इसके। ठीक है, तो तीन सेट के लिए हम डायग्राम का यूज अच्छे से कर सकते हैं, डायग्राम की मदद से हम कुछ भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो ये क्या निकाला, मैथ, ये मैथ का पोर्शन कर दिया, ठीक है, और ये फिजिक्स का पोर्शन कर दिया, और ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन कर दिया। ठीक है, तो यहां से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो बोला कि क्या बोला, मैथ में जो है ना 100 बच्चे हैं, मैथ में 100 बच्चे हैं जो मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स को पढ़ने वाले 70 हैं, फिजिक्स को पढ़ने वाले 70 हैं, और केमिस्ट्री को पढ़ने वाले कितने हैं, 40 हैं। ठीक है, केमिस्ट्री को पढ़ने वाले कितने हैं, 40 हैं। अब बोला है मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स का कॉलम ये होता है, ठीक है, ये बीच वाला, ये वाला, ठीक है, तो मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 30, और मैथ और केमिस्ट्री, ये वाला मैथ और केमिस्ट्री वाला ये पोर्शन है, तो मैथ और केमिस्ट्री दोनों को पढ़ने वाले कितने हैं, 28, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ने वाले ये वाला 23, फिजिक्स इंटू सॉरी इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितने हैं, 23 बच्चे हैं। अब बोला कि मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं ये वाले, ठीक है, ये जो बीच में है ना सारा, ये ऐसे बच्चे 18 हैं। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमें, केवल मैथ, मैथ अलोन, जो केवल मैथ पढ़ता हो ये सारा पोर्शन निकालना है। ठीक है, इसमें कितने बच्चे आते हैं, तो हम निकालेंगे, तो रफ कर दो एक बार, तो 18 मैथ, मैथ वाले निकालता हूं, फिर मैं आपको सारा समझा दूंगा। देखो एम और पी में मिलके 30 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो दोनों में से 18 तो आ चुके, 30 में से 18 आ चुके, तो या खाली स्पेस में कितना रहेगा, 12। ठीक है, एज इट इज मैथ और केमिस्ट्री को पढ़ने वाले 28 हैं, 28 में से 18 आ चुके, कितने आ गए, 10, कंप्लीट हो गया। अब मैथ को पढ़ने वाले 100 हैं, तो 100 में से कितना आ गया, 12 प्लस 18 30, 30 में से 40, 30 और 10 40 हो गए, तो 100 में से 40 गए कितने आ गए, 60। 60 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा, जो केवल मैथ के बारे में पूछा है। अगर आपको पूछ ले फिजिक्स केवल कौन पढ़ता है, तो फिजिक्स के कॉलम पूरे कर देते हैं, 23 18, 23 में से 18 आ चुके, 5। ठीक है, तो फिजिक्स वाले, ओनली फिजिक्स वाले कितने हो गए, 12 और 18 30 35, 70 पढ़ने वाले हैं, तो 35 ऑलरेडी आ चुके, तो कितने रह गए, 35। ये क्या है, केवल ओनली पी है, ठीक है, और केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, 10 और 18 28 और 5 33, 33 आ चुके 40 में से, तो 7 बच्चे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके ओनली वाले हैं, ठीक है, ओनली वाले, मैथ को केवल मैथ पढ़ने वाले 60 हैं, केवल फिजिक्स पढ़ने वाले 35 हैं, केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले 7 बच्चे हैं आपके। तो अगर आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, तो आप निकाल सकते हो, आप इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 68। क्या कह रहा है, सेम डायग्राम बनेगा। ठीक है, बोला कि हाउ मेनी प्लेयर आर, सारे के सारे कितने प्लेयर हैं इसके अंदर, चेक करते हैं। तो 68
68 में, बना लो डायग्राम, ये आपका बास्केटबॉल का है, ठीक है, यह आपका किसका हो गया, हॉकी का हो गया, और दूसरा तीसरा क्या, फुटबॉल है, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। चेक करते हैं कि बास्केटबॉल जो है वो 21 खेलते हैं, 21 हैं, हॉकी वाले 26 हैं, ठीक है, फुटबॉल वाले 29 हैं, फुटबॉल वाले 29 हैं, ठीक है। हॉकी और बास्केटबॉल जो दोनों खेले हैं 14 हैं, हॉकी और बास्केटबॉल, ये वाला पोर्शन, हॉकी एंड बास्केटबॉल वाला कितने हैं, 14 हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल वाला 12 है, ये वाला पोर्शन, बास्केटबॉल और फुटबॉल वाले कितने हैं, 12 हैं, ठीक है, हॉकी और फुटबॉल 15 हैं, हॉकी और फुटबॉल कितने हैं, 15 हैं, ठीक, और तीनों जो मिलके खेल रहे हैं वो 8 हैं, तो तीनों का यहाँ लिख दिया 8। तो अब क्या बोला कि सारे प्लेयर कितने हैं, सारे मतलब पहले हम सारे अलग अलग लिख लेते हैं कि अगर हम हॉकी बास्केटबॉल में चेक करें तो 14 फील होने थे, 8 फील हो चुके, 6 रह गए, ठीक है, बास्केटबॉल फुटबॉल में अगर 12 फील होने थे, 8 फील हो गए और कितने रह गए, 4 फील, 4 रह गए, ठीक है, एक मिनट। एज इट इज हॉकी फुटबॉल में 15 प्लेयर थे, 8 फेल हो गए, 7 रह गए, ठीक है, अगर बास्केटबॉल 21 खेल रहे हैं तो टोटल कितना खेल लिया, 18, बास्केटबॉल वाले में 18 आ गए तो 3 रह गए, ठीक है। अब बोला कि हॉकी वाले केवल बताने, ये तो केवल बास्केटबॉल आ गया 3, हॉकी वाले केवल कितना आएगा कि 6 और 8 14 और 7 कितने हो गए, 21 और टोटल कितने, 26, तो 21 पूरे हो गए तो 5 रह गए, 5, ठीक है। अब बोला कि फुटबॉल में ओनली फुटबॉल कितने हैं, तो 29 हैं, तो कितने पूरे हो गए, 4 और 7 11 और 8 19 कितने रह गए, 10 रह गए, ठीक है, ये था। अब जो आपके खाने में है ना, यहाँ तक के यहाँ तक सारे को ऐड करना है, तो क्या क्या ऐड करना है मुझे, 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 10, इसकी वैल्यू बताने कितनी आएगी, ठीक है, तो कितनी आएगी, 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 4 26, 26 और 7 कितने हो गए, 33, और 33 और 10 43 आपका आंसर आ जाएगा, 43 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 69th क्वेश्चन आज नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग टॉपिक पे क्वेश्चन है, ये है रिलेशन के, अब तक हमने सेट के क्वेश्चन किए, 68 क्वेश्चन जो कि सेट से रिलेटेड थे उनका इंट्रोडक्शन मैंने दिया, आप फर्स्ट वीडियो को देखना, फर्स्ट क्लास वाली को, तो 69th क्वेश्चन के मैं कल आपको रिलेशन के इंट्रोडक्शन दूंगा, रब कराऊंगा, पहले रिलेशन कम्प्लीट करते हैं, ठीक है, और एज इट इज फंक्शन के क्वेश्चन आएंगे जब फंक्शन का इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की ये वीडियो बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।